हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल टेक डिफरेंस। आज अपन देखेंगे कि एसएमटीपी क्या होता है। एसएमटीपी एक सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जो कि ओएसआई की एप्लीकेशन लेयर में होता है। ठीक है, तो आज अपन देखेंगे कि एसएमटीपी क्या होता है। एसएमटीपी, सबसे पहले तो इसका पूरा नाम देखेंगे, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, जो होता है एसएमटीपी। अब वर्क क्या होता ही है, इज एन TCP/IP, ठीक है, दैट सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक मेल ऑन इंटरनेट। ठीक है, सो क्या बोलते हैं अपन, ईमेल, सभी यूज करते होंगे ईमेल का। ठीक है, अभी मैंने बताया क्या काम करता है एसएमटीपी। इट इज अ सिस्टम फॉर सेंडिंग मैसेजेस टू अदर कंप्यूटर यूजर्स बेस्ड ऑन ईमेल एड्रेसेस। ठीक है, क्या करता है एसएमटीपी, मैसेज सेंड करता है जो कि ईमेल से कनेक्ट हो। ठीक है, जिसके पास ईमेल एक एड्रेस हो, है ना। और एसएमटीपी, अभी मैंने बताया था, एसएमटीपी एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। काम क्या करता है देखते हैं, दैट इनेबल्स द ट्रांसमिशन एंड डिलीवरी ऑफ ईमेल आवर इंटरनेट। ठीक है, देखो गाइस, जो मैंने लिखा है आपको बिल्कुल समझ आया होगा कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो कि TCP को यूज करता है। ठीक है, इसमें क्या करता है कि ईमेल सेंड करता है। ठीक है, जो कि जिसके पास ईमेल एड्रेस होता है, एक पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस होता है यूजर्स के पास उसके थ्रू। ठीक है, अब अपन देखेंगे एसएमटीपी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, एसएमटीपी वर्क कैसे करता है, तो सबसे पहले देखेंगे कि एक होता है सेंडर, या अपन ने सेंडर बनाया, ये रिसीवर। ठीक है, यहाँ होता है अपना एसएमटीपी, इन दोनों सेंडर और रिसीवर के बीच में। ठीक है, ये एसएमटीपी, ये सेंडर जो होता है और ये रिसीवर। सेंडर का जो कनेक्शन होता है वो होता है मेल सर्वर से, सेंडर के मेल सर्वर से, और जो रिसीवर का होता है उसका भी कनेक्शन होता है मेल सर्वर से। ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या होती है, कौन से कनेक्शन होते हैं, लैन और मैन, मैन भी बोल सकते हैं, वैन भी बोल सकते हैं। ठीक है, लैन और वैन कनेक्शन होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क ट्रांसफर करने के लिए। और इनके बीच में क्या होता है, इंटरनेट। तो और यहाँ पर भी होंगे लैन और वैन कनेक्शंस। ठीक है, लैन और वैन कनेक्शंस। अब मैं पूरा स्ट्रक्चर समझाता हूँ। फर्स्टली क्या होता है, सेंडर, सेंडर कोई भी ईमेल सेंड करेगा तो वो लैन और वैन एरिया नेटवर्क के थ्रू मेल सर्वर पे जाएगा, और वो मेल सर्वर से इंटरनेट के थ्रू दूसरे मेल सर्वर पे जाएगा जो कि रिसीवर का मेल सर्वर होगा। ठीक है, वो लैन और वैन की तरह इसे एक्सेस कर सकता है। ठीक है, पूरा आई होप कि पूरा आर्किटेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को, ताकि यार मैं और ही वीडियो बना सकूँ आपके लिए। अब अपन देखेंगे कि एसएमटीपी
में कितने कंपोनेंट होते हैं, और ये वर्क और इजीली समझ आएगा कि आप ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, एसएमटीपी बोथ क्लाइंट एंड सर्वर हैव टू कंपोनेंट्स। ठीक है, ये दो कंपोनेंट्स में वर्क करता है। ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट में बताना चाह रहा हूँ यूजर एजेंट, जो कि अपन यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, यूए। एंड सेकेंड जो होता है वो होता है एमटीए। एमटीए क्या होता है, मेल ट्रांसफर एजेंट। ठीक है, एमटीए होता है मेल ट्रांसफर एजेंट। दो कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट जो यूए रहता है, द यूए, यूए क्या काम करता है, प्रिपेयर्ड द मैसेज, मैसेज को प्रिपेयर करने का काम करता है यूजर एजेंट। ठीक है, जो कि अपन हो सकते हैं, क्रिएट्स द एनवलप। एनवलप का मतलब आप समझते होंगे, क्या क्रिएट करता है, एक खाली बॉक्स यूज क्रिएट करता है, उसके अंदर मैसेज, एक मैसेज क्रिएट करता है। ठीक है, एंड पुट द मैसेज इनटू एनवलप। एनवेलप अपन एक पोस्ट कार्ड बोल सकते हैं, जिसमें क्या मैसेज पुट करता है। ठीक है, और जो सेकेंड एम टी है वो क्या होता है, एम टी ए क्या करता है, ट्रांसफर द मेल अक्रॉस द इंटरनेट। ठीक है, समझाता हूँ मैं आपको एक बार। एसएमटीपी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है यूजर एजेंट और एक होता है एमटीएम, मेल ट्रांसफर एजेंट। यूए क्या करता है, मैसेज को क्रिएट करने का काम करता है, एक एनवेलप क्रिएट करता है, पोस्ट कार्ड टाइप समझ सकते हैं, एक पोस्ट कार्ड या एक मैसेज फील्ड क्रिएट करता है जिसमें अपन मैसेज पुट करने का काम करता है। ठीक है, और एमटीए क्या होता है, जो मेल ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है, अब मैं इसको एक बार आपको इसका आर्किटेक्चर भी बता देता हूँ। ये होता है एमटीए क्लाइंट, ये होता है एमटीए सर्वर। ठीक है, यहाँ पे अपन ने कमांड भेजेंगे, यहाँ से अपने को ये होती है कमांड, ये इधर से रिस्पॉन्स भेजेगा आपको। ठीक है, सो आई होप आपको पूरा वीडियो समझ आया होगा फ्रेंड्स। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं और वीडियो आपके लिए ला सकूँ। आपको कोई भी अगर प्रोटोकॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं आपको उसी प्रोटोकॉल के बारे में पूरा बता सकूँ। थैंक यू गाइस।